हेलो गाइस, वेलकम टू बिहारी भूखर। आज मैं आप लोगों के लिए टमाटो सॉस की एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है। कि सबसे पहले टमाटो सॉस बनाने में जिन जिन सामग्री की यूज़ होती है वो मैंने आपको दिखाया है। मैंने इसे बनाने में विनेगर का यूज़ किया है। ये वैसे ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें या फिर नहीं भी डाल सकते हैं। इससे थोड़ा खट्टापन और बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्ट आता है। इसमें सबसे पहले प्याज, मिर्च, अदरक, लहसुन अनुसार, नमक स्वाद अनुसार और 2 से 3 पीस का डाला है। इसमें मैंने विनेगर यूज़ किया है। प्याज लहसुन डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। जिन्हें पसंद नहीं है वो ना डालें। मैंने यहाँ 1 kg टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब हमारी सामग्री तैयार है। सबसे पहले कुकर को गैस पे चढ़ाया हुआ है, उसे थोड़े देर गर्म करें। फिर उसमें टमाटर काला डालना है, सभी टमाटर को डाल दें। उसके बाद एक एक करके जितनी सारी सामग्री थी उसे भी हम डालेंगे। एक एक करके सारी सामग्री डालते जाएं। इसमें एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, आपको नमक और चीनी स्वाद अनुसार अपने टमाटर डाला है उसकी क्वांटिटी के अनुसार नमक और चीनी डालें। फिर विनेगर 2 टेबल स्पून उसमें डालना है। उसे अच्छे से चलाएं, चला के ठीक तरह से उसे मिला दें। अब कुकर को लगा दें, ढक्कन लगा दें। 1 सीटी देने के बाद उसे उतारें। अगर आपको लगे कि पानी ज़्यादा है तो उसे जला लें। अब देखिए, उसे हम जार में डाल करके स्मूथली पेस्ट तैयार कर लिया है। अब देखिए, कुछ इस प्रकार की हमारी बनके तैयार है। अब भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कैसी बनी। थैंक यू सो मच गाइस।